हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC ने 11 सितंबर 2024 यानी कि आज की डेट में एक विज्ञप्ति सूचना जारी की है, जो मैं आपको बताऊंगा। यह है उत्तराखंड SI से जुड़ी हुई। SI का फिजिकल दोबारे होगा। क्या है फिजिकल का मापदंड, तो मैं ये आपको बताऊंगा। उत्तराखंड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल उत्तराखंड पाठशाला ऋषिकेश को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन में क्या है। तो UKPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये बताया है कि अगर आपने जो IRB द्वितीय देहरादून जो फिजिकल वहाँ पर हो रहा है, महिला उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए लड़कियों के लिए, वो 4/9/2024 वाला जो था, अवगत कराया कि अभ्यर्थनियों की शारीरिक नापजोक के उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, दौड़, चाल एवं स्कीपिंग बारिश के कारण संपन्न नहीं कराई जा सकी। तो जिनका फिजिकल बारिश के कारण नहीं हो सका था, देहरादून IRP की तरफ से ये खबर है, ध्यान से समझना आप लोगों का शारीरिक नाप जोक के उपरांत जो अब शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित तो होनी है, वो होगी कब, तो वो होगी 25/9/2024 यानी कि बुधवार को, 25/9/2024 बुधवार को कराई जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो आपको क्या समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, जिनका भी एग्ज़ाम 4 तारीख को परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 4/9/2024 को था, लेकिन वो देहरादून में महिला अभ्यर्थियों के लिए है, केवल महिला अभ्यर्थियों का देहरादून में था, उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद जो क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, दौड़, चाल, स्कीपिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई थी। अब वो कब होगी, 25 तारीख को होगी। तो भूलना नहीं आप लोग वहाँ जाना, अपना एडमिट कार्ड, नए कोई एडमिट कार्ड अभी यहाँ पर नहीं बोला गया है कि नया एडमिट कार्ड आएगा, वही एडमिट कार्ड है। 25/9/2024 को आपने जाना है और आपने फिजिकल देना है। ये थी अभी की सूचना जो मैंने आपको बताई है उत्तराखंड UKPSC की। किसी भी अपडेट के लिए जुड़े रहें पाठशाला ऋषिकेश के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।